एक बहुत सुंदर एक घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना को बड़े ध्यान से सुना तो पता चलेगा कि आपके जीवन में समस्या क्यों आती। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था। लेकिन जब दिल्ली में आया तो दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा ढूंढ के आता हूँ। तो आगरा सारा दिन घूमा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जिस जगह पर जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते थे हमारे यहाँ बुक है। उसको तो लगता है करोड़ों रुपए पड़े, अब मैं रात को कहाँ सो जाऊं। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चल उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले अपनी उसने ब्याह कर ली। जब ब्याह कर ली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याह में गई, देखा बस 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल आपको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, सीधा उसके सिर में मार दिया पैसा लेने के चक्कर में। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया, उसका तो मर्डर हो गया। पति तो घबरा गया, कहते देखो हमारी गरीबी दूर होगी, देखो कितना पैसा। पति तो कहता है पुलिस वालों को पता चलेगा, किसी को कहते किसी को पता ही नहीं चलने लगे। इस मूर्ति को जमुना नदी में डाल दे, रात को 2 बजे बोरी में डाला, जमुना नदी पीछे थे पानी में भर लेके जा रही थी, उसमें डाल दे। वापिस आए घर में, जब खून लगा था रातों रात सब किया, उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग कोई मिटा नहीं। पूजन है ना, कर्म का लेखा मिटे ले रे भाई, लाख करे कोई चतुर नहीं। किसके झोली में काटे, किसके झोली में फूल, कोई अंधा है, कोई लूला है, कर्म। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी करी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया उसको, बड़ा किया, बच्चा कलेक्टर बनने वाला था, अचानक उसको टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल ने दिखाया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे बच्चे ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया था उसको भी बेचा, और बीमारी में पैसा लगाया बच्चे ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है बच्चे को बचाने चाहे कुछ भी हो जाए, मकान बनाया था उसको भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी आपने को जो मिला था वो सब पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया था। तो यह मैंने क्यों सुनाया, आज आपके जीवन में कोई बच्चे के रूप में आता है, माँ बाप को टेंशन है, बच्चा गलत सड़क में जा रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो कहते ये क्यों कर रहे हैं, क्यों वो आपके ही कोई कर्मों का हिसाब वाला व्यक्ति है। ऐसी परिस्थिति में भी हल्के रहो, बच्चा कुछ भी करता है, पति कुछ भी करता है, सास कैसी के, इसीलिए बाबा कहते बच्चे आप जहां भी हैं हिसाब किताब शुद्ध करना है। हिसाब शुद्ध करने के 3 तरीके, एक है योग लगा करके, हम इतना योग नहीं लगाते इसीलिए फिर ऐसी समस्या आती है। तो समस्या को सहन करने से भी हिसाब किताब चुप्त हो गए, उस समय चुप रहो, शांत रहो, खुश रहो, आपका कई दिनों का विकर्म खत्म हो गया। अच्छा सहन भी नहीं करेगा बाबा को, बाबा ये मेरे को तंग कर रहा है, तो व्यक्ति धर्मराजपुरे में क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा, तो धर्मराज डंडे मारेगा, तब आपका हिसाब चुप्त होगा। तो वो धर्मराज के डंडे अच्छे हैं, ये योग लगाना अच्छा है, ये सहन करना अच्छा, सबसे अच्छा योग है, लेकिन योग नहीं लगाते तो फिर सहन करो। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे खूब योग लगाओ तब आपको समस्या नहीं आएगी।